हेलो गाइस, दिस इज सोमियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कि लाइनर को कैसे इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है। सो आप लोग एंड तक पूरा वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यही है लाइनर जो कि इंजन ब्लॉक में फिट किया जाएगा। सो लाइनर को फिट करने से पहले अच्छा से क्लीन कर लेना जरूरी है, इसीलिए लाइनर को जो है इंजन ब्लॉक में फिट करने से पहले डीजल से वॉश किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, हर एक लाइनर अच्छा से क्लीन हो जाएगा और उसके बाद जो है इसे इंजन ब्लॉक में फिट किया जाएगा। सो गाइस, लाइनर का जो फिटिंग का प्रोसेस है वह हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, और प्रोसेस देखते देखते हम लोग थोड़ा सा लाइनर के बारे में भी जान लेते हैं। सो लाइनर जो है दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई लाइनर और एक होता है वेट लाइनर। अब अगर ड्राई लाइनर और वेट लाइनर के बीच में अगर डिफरेंस का बात किया जाए, सो ड्राई लाइनर का वॉल जो है वो थिन है, यानी कि ड्राई लाइनर का वॉल जो है वो पतला है, और दूसरी तरफ वेट लाइनर का जो वॉल है वो थिक है, यानी कि वेट लाइनर का वॉल थोड़ा मोटा होता है ड्राई लाइनर से। अब नेक्स्ट है कि ड्राई लाइनर प्रेस फिट करके इंजन ब्लॉक में बैठाया जाता है, मगर दूसरी तरफ वेट लाइनर जो है इसे प्रेस फिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद ड्राई लाइनर में कोई भी पैकिंग रिंग नहीं रहता, यानी कि ड्राई लाइनर में कोई भी पैकिंग रिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मगर वेट लाइनर में पैकिंग रिंग का ज़रूरत पड़ता है। और अगर पैकिंग रिंग का नंबर का बात किया जाए, सो वेट लाइनर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 रिंग होता है, और इस पैकिंग रिंग का नाम है सिलिकॉन रबर सील। नेक्स्ट है कि ड्राई लाइनर जो है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है वाटर के साथ और कूलेंट के साथ इंजन ब्लॉक में, और दूसरी तरफ वेट लाइनर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है वाटर और कूलेंट के साथ इंजन ब्लॉक में। तो गाइस, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन लाइनर के बारे में। चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस भी देखते हैं कि कैसे लाइनर को फिट किया जा रहा है एक इंजन ब्लॉक में। गाइस, ये जो लगाया जा रहा है ये एक सिलिकॉन सील है। इसको देने का रीज़न यही है कि लाइनर जो है इंजन ब्लॉक में एक अच्छा से ग्रिप बना के रह पाए, यानी कि लाइनर जो है एक जगह में फिक्स रह पाए इंजन ब्लॉक में, यानी कि लाइनर का जो 90% पोर्शन है वो ब्लॉक का अंदर चल गया है, और ये जो रिमेनिंग 10% एरिया है उसमें सिलिकॉन सील दिया जा रहा है। तो गाइस, अगर इस लाइनर का बात किया जाए, सो ये है ड्राई लाइनर जिसे प्रेस फिट करके इंजन ब्लॉक में बैठाया जा रहा है। जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, इंजन ब्लॉक में और लाइनर का आउटर डायमीटर में लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जा रहा है। इसको देने का रीज़न है कि लाइनर जो है इजीली प्रेस हो जाएगा ब्लॉक का अंदर।
सो आई होप कि गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।